लीजिए, पेश है मेरा अगला एपिसोड। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही सुंदर शहर से। शहर क्या, छोटा सा कस्बा है, अंद्रेटा कहते हैं इसको। आपको हैरानी होगी कि एक छोटे से गांव में, कस्बा भी नहीं गांव है, इस गांव में इंडिया के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि दुनिया के 5 मशहूर लोग, हस्तियां यहां रहती थी। शुरुआत मैं करूंगा पृथ्वीराज कपूर जी से। सब जानते हैं कपूर खानदान की जो फिल्मों में शुरुआत हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, मुगले आजम के अकबर। और आज की तारीख में देखें उनके खानदान में तो करिश्मा कपूर जी को सब जानते हैं, वो यहाँ रहते थे, अक्सर आया जाया करते थे। नोरा रिचेट एक आयरिश लेडी थी जो बाद में इंग्लैंड चली गई थी, लेकिन फाइनली यहाँ आके सेटल हो गई। वो इंग्लिश होने के बावजूद, आयरिश होने के बावजूद एक बहुत बड़ी पंजाबी आर्टिस्ट बनी, और आज उनका जो घर है उसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने ले लिया है और एक बहुत बड़ा कल्चर सेंटर बना दिया है। एक गुरचरण सिंह जी थे जिन्होंने हिंदुस्तान में स्टूडियो पोएट्री की शुरुआत की और इस गांव से शुरुआत की। उसके अलावा शोभा सिंह जी, जिनकी पेंटिंग मशहूर है, कौन सी, सोनी महिवाल, कांगड़ा पेंटिंग और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, वो यहाँ रहते थे। उनकी यहाँ पे शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनकी कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा ब्राइट पेंटिंग और सोनी महिवाल की पेंटिंग। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे फिल्मों की अगर हमने बात की है तो फिल्मों में आप देखिए कबीर बेदी जी एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी माता जी यहाँ पे रहा करती थी। तो चौंक गए ना आप, मैं भी हैरान हो गया था। आज मैं 35 साल बाद इस गांव में आया हूँ और यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं अपनी एक नीस के घर पे हूँ जो यहाँ पे रह रही है अपने पति के साथ। आज उनके घर पे हम खा रहे हैं बिरयानी जो उनकी आंटी ने बनाई है, जो कि हैदराबाद से आई है। बिरयानी देख के ऐसे लगता है, हर लोग सोचते हैं कि बिरयानी सिर्फ चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी होती है, लेकिन ये कटल बिरयानी है। उन्होंने स्पेशली हमारे लिए कटल बिरयानी बनाई, लेकिन देख के ही बहुत स्वाद लग रही है, तो देखते हैं। वाह, मजा आ गया बिरयानी खा के। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक वेजिटेबल बिरयानी इतनी स्वाद हो सकती है। पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी। हैदराबाद से थोड़ा मीठा आया हुआ है, वो भी सोच रहा हूँ चखी लिया जाए। ये है मक्खन बड़े जो कि हैदराबाद से आए हैं। किंग्स कोटी में एक बड़ी हरे कृष्णा करके दुकान है, बड़ी फेमस, दुनिया भर में यहाँ से जाते हैं मक्खन बड़े। हम इसको नॉर्थ में बालूशाही कहते हैं, लेकिन ये उससे बेटर है। मीठा भी बहुत ही स्वाद था, बहुत ही लजीज। तो चलिए, भोजन अब हो गया, अब मैं आपको ले चलता हूँ नोरा रिचर्ड के घर। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोरा रिचर्ड एक आयरिश लेडी थी, वो हिंदुस्तान में आई और लाहौर में रहने लगी। लाहौर और हिंदुस्तान में, जी हाँ, उस वक्त लाहौर हिंदुस्तान में था, 1947 से पहले की बात है। वहाँ रहती थी अपने पति के साथ, उनके पति वहाँ कोई जॉब करते थे। उसके बाद वो इंग्लैंड चली गई यहाँ से, आयरलैंड नहीं, इंग्लैंड। और इंग्लैंड कुछ टाइम रहने के बाद वो फिर हिंदुस्तान आई। उनका दाना पानी यहाँ का लिखा था। उस जमाने में जब यहाँ कोई बस नहीं आती थी, वो घोड़े पे आई अंद्रेटा और यहीं की होके रह गई। ना जाने किस तरह से वो पंजाबी थिएटर के टच में आई। यहाँ पे उन्होंने घर बनाया जहाँ हम अभी जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा उनका घर, मड हाउस। और यहीं पे उन्होंने पंजाबी थिएटर को डेवलप किया अंद्रेटा में, जो उस वक्त पंजाब में था, अब हिमाचल में है। यहीं पे उन्होंने एक छोटा सा ओपन एयर थिएटर बनाया, एक स्टेज बनाया, और सालों तक वो पंजाबी थिएटर की सेवा करती रही। और यहीं पे उनका अंत लिखा था, इसी मिट्टी में उनको दफन होना था, कुछ पिछले जन्म का उनका रिश्ता था। यहीं पे उनकी कब्र है, यहीं पे उनकी समाधि है। और हर साल यहाँ पे जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है, पटियाला की जो पंजाबी यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, उन्होंने इनके घर को टेक ओवर किया है, उसको रिस्टोर किया है, और वो हर साल इनके बर्थडे पे पंजाबी में नाटक यहाँ करते हैं और उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। तो चलिए नोरा रिचर्ड के घर चलते हैं,
मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ, ओपन एयर थिएटर दिखाता हूँ और उनकी समाधि दिखाता हूँ। ये देखिए नोरा रिचर्ड का घर, मड हाउस जहाँ वो रहती थी। मैं अब घर के अंदर आ गया हूँ। ये ऊपर आने का रास्ता है। ये देखिए घर, चूंकि बहुत पुरानी बात है तो उस टाइम पे लाइट नहीं हुआ करती थी, लालटेनों से काम चलता था। ये लालटेन उसी वक्त की लटकी हुई है। छत देखिए आप, ये जो अंदरेटा एरिया है ये बांस यानी कि बैम्बूस के लिए जाना जाता है, एक तरह से बैम्बू कैपिटल कह सकते हैं आपको आप इसको। ये देखिए बनी हुई है छत। ये हैं स्वर्गीय नोरा रिचर्ड जी, ये उनकी फोटोग्राफ्स हैं। ये छत का दूसरा साइड जो कि बैम्बू से ही बना हुआ है, बैम्बू मटेरियल से बना हुआ है, जाली टाइप। ये एक और कमरा, उसी तरह लगी हुई लालटेन, बांस यानी कि बैम्बू से बनी हुई छत। ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने देखिए रेनोवेट किया इनका घर, नोरा हाउस, नीचे पंजाबी में लिखा है नोरा द कार। ये ओपन एयर थिएटर जहाँ पे वो पंजाबी प्लेस किया करती थी, बहुत सालों तक किए। ये स्टेज है, पीछे नोरा जी की कब्र है जहाँ उनको दफनाया गया है। अभी चलते हैं उनकी कब्र की ओर। जा रहा है नोरा जी की कब्र, नीचे पंजाबी में लिखा है नोरा दी समाधि। ये देखिए यहाँ नोरा जी अपना अंतिम, यहाँ पे उन्होंने अपना सफ़र ख़त्म किया, यहाँ उनको दफनाया गया है जहाँ पे वो उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हुआ। बहुत ही खूबसूरत फूल यहाँ पे कब्र के आसपास। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।